बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बताते हैं क्यों है। हम लोग इतना बीएड किए, डीएलएड किए, सीटेट पास किए हैं यहाँ, मतलब हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे, हमें बोला गया कि ये डिग्री लो, अब कौन सा डिग्री ले। माँ बाप भी पढ़ा लिखा के थक के वो भी, अरे अपना जिम्मेवारी ये हो जाता, अब कब तक वेट करेगी तुम, कब तक पढ़ेगी, कब तक क्या होगा। अब देखेंगे हम लोग, इतना टेम्परेचर है पटना का, गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी अब एसी में बैठ करके अभी चाय पी रहे होंगे वहाँ पे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, उनका कहना था कि नहीं आप लोग को सेवंथ फेज में लिया जाएगा, और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया में शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जैसे ही छठा चरण की प्रक्रिया कम्प्लीट होगा तो सातवां चरण का जो प्रक्रिया है वो जल्द स्टार्ट कर देंगे। लेकिन छठा चरण का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चार जनता जंक्शन में आपका स्वागत है, मैं हूं पंकज। देखिए आज जो है भावी शिक्षक संघ का, यूं कहें कि भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ, इन लोगों का धरना का आज जो है 11वां दिन है, और ये सातवां चरण प्राथमिक 1-8 शिक्षक बहाली अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। और यहाँ पे आपको दिखा दें कि जो है लोग यहाँ भी अभी डटे हुए हैं, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? ऋतुराज। हौसला कम गया है आप लोग का? तो हौसला कम नहीं होगा, 11 दिन से बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक मान नहीं लेती, नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे घर। अच्छा। आपका हौसला कम हुआ है? टूटा नहीं है अभी सर, अभी टूटा नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन हम लोग को देंगे नहीं, हम लोग यहाँ से ही लेंगे नहीं, एकदम नहीं हिलना, नहीं हिलेंगे। कितना कुछ कर ले सरकार? नहीं हम लोग नहीं हिलेंगे, तो नहीं। अभी बहुत गर्मी है, बहुत बैठेंगे घर से निकल के, जब रोड पे आए गए हैं तब तो पीछे जाएंगे नहीं। अच्छा, जब तक नोटिफिकेशन देंगे नहीं, हम तो ये कर रहे हैं उनको बता देने में, उनको नोटिफिकेशन जारी कर देने में क्या दिक्कत है। अच्छा। बहाली कराते हैं तो मैंने मान लेते हैं, एक तरह से बहाली कराते हैं, मतलब कि बहुत सारे ये मतलब कि खर्चा जो भी हो करना है, लेकिन उनको डेट बताने में क्या दिक्कत है, उनको रेट बताने में, उनको नोटिफिकेशन जारी करने में क्या दिक्कत, मौन क्यों है? हमेशा ये रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ के बच गई, पढ़ भी ली, माँ बाप का जितना हम लोग किसान मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से हैं, सारे ये करके हम लोग पढ़ भी लिए, बच भी गए, सब अहर्ता पा भी लिए, तो आज वो मौन क्यों है? यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। हो गया, अब बेटियां सड़क पर है, सड़क पे बिठाओ, रोड पे बिठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को रोड पे बिठाओ। अब मुझे बेटी को जब सब कर लिया लो तब रोड पर बिठाओ, रोड पे बैठो यार, ये क्या बात हुई? अच्छा। नहीं ना, नहीं बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बताते हैं क्यों है? बेटी बचा लिए बेटी पढ़ा रही है, बेटी को रोड पे बैठा, रोड पे बैठा भी। अच्छा। दिए क्या कहेंगे, बहुत भीषण गर्मी है, हौसला तो कम नहीं हुआ? नहीं, मेरा हौसला कम भी नहीं होगा, जब तक से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक से मेरा हौसला कम नहीं होने वाला है। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, नहीं नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे घर वालों को भी जवाब देना है। हम लोग इतना बीएड किए, डीएलएड किए, सीटेट पास किए हैं यहाँ, मतलब हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे, हमें बोला गया कि ये डिग्री लो, अब कौन सा डिग्री ले, कौन सा डिग्री ले। हम लोग तीन तीन परीक्षा पास किए, इतना सारा परीक्षा पास करके यहाँ धूप में जल रहे हैं, शिक्षा ही नहीं रहेगा, अगर शिक्षा की नहीं रहेंगे इस देश में तो हमारे देश का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे कोई शिक्षा मंत्री बनेगा? शिक्षक से ही तो निकल के आते हैं ये सारे मंत्रियां, फिर शिक्षक यहाँ रोड पे धूप में चल रहा है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। सीटें नहीं रहती तो बात अलग थी, लेकिन हमारे बिहार में इतनी सारी सीटें खाली, इतनी सारी रिक्तियां खाली है, फिर क्यों नहीं बहाली आ रही है? बहाली उनको देना ही पड़ेगा, नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। हाँ, यानी पीछे नहीं हटना? नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं है। 11 दिन से आप धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सरकार के प्रतिनिधि आप लोग से बात करने के लिए आए हैं? नहीं, अभी तक से तो कोई, बस आश्वासन ही मिल रहा है, 3 साल से आश्वासन ही मिल रहा है कि अब आप लोग भी देखे होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, कि शिक्षा मंत्री बोले कि अब निकलेगा, अब निकलेगा, बस बट कब तक हम लोग ऐसा सुनते रहेंगे? अब हम लोग को लिखित चाहिए, जब तक से वो लिख के नहीं देते हैं तब तक से हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, हम लोग को नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, क्योंकि हमें घर पे भी जवाब देना है। एकदम हम लोग को मतलब मैरिड लाइफ में उजाड़ देता है, मैंने पढ़ा दिया, अब बेटे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ लेंगे, सेटल हो जाएंगे तो शादी ब्याह कीजिएगा भाई, जो भी माँ बाप भी पढ़ा लिखा के थक के वो भी, अरे अपना जिम्मेवारी ये हो जाता, अब कब तक वेट करेगी तुम, कब तक पढ़ेगी, कब तक क्या होगा। समाज को भी जवाब देना रहता है, हर थक के मतलब हम लोग ये में चूड़ी और घूंघट उठा के हम लोग रोड पे आए हैं, चूड़ी घूंघट छोड़ के रोड पे आए, तब रोड छोड़ के कहाँ जाएंगे। चलिए, इस धरना से एक बहुत अच्छी बात निकली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को रोड पे बैठाओ। आप देखे होंगे
कि दो बेटियां चाय बेच रही है, एक ग्रेजुएट चाय वाली, एक आत्मनिर्भर चाय वाली, और जिनका कहना है कि शादीशुदा महिला है और चूड़ी और घूंघट घर में रख करके आई है आंदोलन के लिए रोड पे बैठने के लिए। अब रोड छोड़ के नहीं जाएंगे। अब मुझे ना चाट अच्छा बनाना था, बीएड सीटेट चाट भंडार अब खुलेगा। अच्छा, तो बीएड सीटेट चाट भंडार भी खुल सकता है भविष्य में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आशीष है, मैं सीटेट दिसंबर जनवरी का अभ्यर्थी हूँ। जैसा कि आप सभी महिलाएं जो बोल रही है कि मैं चाट का दुकान खोलूंगी या कुछ करूंगी, ये सरकार मुख्यमंत्री जी ये मजबूर किए हैं बिहार के युवक को और बिहार के जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी का अभ्यर्थी है। आप देखेंगे हम लोग इतना टेम्परेचर है पटना का, गर्मी में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी अब एसी में बैठ करके अभी चाय पी रहे होंगे वहाँ पे। तो हम लोगों बगल में है, चंद किलोमीटर के बगल में समझ लीजिए, कुछ मीटर की दूरी पे सचिवालय है, शिक्षा मंत्री का आवास है, यहाँ आकर कभी नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो तमाम उनके पार्टी के जितना नेता है सभी जाकर के वहाँ कैंपेन शुरू कर देंगे, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जाकर के वहाँ कैंपेन शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग 11 दिन से यहाँ पे हैं, लेकिन जितने विधायक थे, विधायक हैं वर्तमान में विधानसभा में, सभी को यहाँ आना चाहिए था और जाकर के शिक्षा मंत्री से सभी को मिलना चाहिए था, मिल करके एक विज्ञापन वहाँ सौंपना चाहिए था और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने के लिए उनसे बोलना चाहिए था। अगर वो बोलेंगे तो ऐसा नहीं है जो शिक्षा मंत्री उस बात को नहीं मानेंगे। ये बताइए, आप 11 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, काफी भीषण गर्मी है, सरकार के कोई प्रतिनिधि आप लोग से बात करने के लिए आए? देखिए, सरकार के प्रतिनिधि आश्वासन देते हैं तो हम लोगों को आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग को छठे चरण की प्रक्रिया में हम लोग को लेना चाहिए था। हम लोग इसके लिए रंजीत कुमार सर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उस समय, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर, उसके बाद रंजीत सर के जाने के बाद अमरेंद्र प्रताप सर आए शिक्षा मंत्री जी को, तमाम जगह हम लोग लेटर दिए, दर्जनों लेटर दिए जो हम लोग को छठा चरण में शामिल कीजिए, क्योंकि आप नया फ्रेश ले रहे हैं आवेदन, तो हम लोग को भी मौका दीजिए। लेकिन शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनका कहना था कि नहीं, आप लोगों को सेवंथ फेज में लिया जाएगा। और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखेंगे, प्रिंट मीडिया में शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि जैसे ही छठा चरण की प्रक्रिया कंप्लीट होगा तो सातवां चरण का जो प्रक्रिया है वो जल्द स्टार्ट कर देंगे। लेकिन छठा चरण का प्रक्रिया समाप्त हो चुका है लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो शिक्षा मंत्री जी को अपना स्टेटमेंट पे कायम रहना चाहिए, वो जो बोलते हैं उस पर खरा उतरना चाहिए। और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, हम लोग कभी विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य बिहार का विद्यालय जो है बिना शिक्षक का चल रहा है और शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं। आप देखे होंगे कुछ अभ्यर्थी बेहोश पड़े हुए हैं, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और तो हम यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो स्थिति है, पिछले 11 दिन से ये लोग धरना स्थल पे बैठे हैं और यहाँ पर जो है कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हुई है और यहाँ पर जो है पिछले 11 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। और यहाँ पर एक छात्र की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है क्योंकि गर्मी काफी है। और इस आंदोलन से एक चीज निकल के आया कि जो सरकार कहती है कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर अभी जो है जमीनी हकीकत कुछ 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 और है। और इस आंदोलन से एक बात निकल के आई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को रोड पे बैठाओ। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।